बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिल्ली स्टाइल रेसिपी। आज दिल्ली स्टाइल रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ रमजान स्पेशल में स्प्राउट्स बनाने की रेसिपी। आज मेरी बेटियों ने मुझसे फरमाइश करी कि इफ्तार में जो है हम स्प्राउट्स बनाएं, तो मैंने थोड़े से स्प्राउट्स जो है बाजार में आजकल तो बने बनाए मिल जाते हैं, ये मैं ले आई थी। एक पैकेट स्प्राउट्स लिए हैं मैंने। इसमें मैं डालूंगी ये कुटी हुई मिर्च है, चिली फ्लेक्स, ये बुना हुए जीरा मैंने भून के रखा हुआ था उसका पाउडर है, क्यूमिन सीड्स पाउडर, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ये हम एक एक चुटकी डालेंगे। इसके अलावा मैंने एक टमाटर लिया है, इसे देखिए बहुत ही बारीक काटना है आपने, ये बारीक प्याज और बारीक ही हरी मिर्चें काटनी है, बारीक हरा धनिया। मैं इसमें पिसी हुई मिर्च लिए नहीं डालेंगे, फिर तीन तरीके की मिर्च हो जाएंगी और मिर्च बहुत तेज हो जाएगी। आप चाहें तो ये चिली फ्लेक्स की जगह पिसी हुई मिर्च भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपने करना यह है कि एक फ्राई पैन में पानी थोड़ा सा उबलने के लिए रख दिए गए हैं। अभी पानी उबला नहीं है, तो मैं अभी इसमें थोड़ी देर बाद इसमें अंदर स्प्राउट्स रखूंगी। ये पानी पूरी तरीके से उबल चुका है और अब मैं इसमें स्प्राउट्स रखने जा रही हूँ और अब मैं इसको ढक दूंगी। धीमी आंच कर दी है मैंने, फ्लेम बिल्कुल सिम पे कर दी है और अब मैंने इसको ढक दिया है। 5 मिनट सिर्फ आपने इसको घड़ी देख के इसको जो है स्टीम देना है। इसको रखे हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा दूँ एक निकाल के। देखिए थोड़ा सा, बिल्कुल इसको गलना नहीं चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा बस इतना रखें कि ये नरम हो जाए। और अब मैं इनको एक प्याले में लौटने जा रही हूँ। मैंने इनको एक प्याले में लौट दिया है। थोड़ा सा आपने करना यह है कि 5 मिनट इसको जो है आपने इसकी थोड़ी सी इसकी भाप उड़ने दे, फिर हम इसमें बाकी के मसाले मिलाएंगे। स्प्राउट्स ठंडे हो चुके हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बराबर में छोटा सा नन्ना सा बेल आइकॉन है, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस वक्त पर आप तक पहुंचती रहें। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं सबसे पहले इसमें ये मसाले मिलाने जा रही हूँ, हरे मसाले मैंने इसमें मिला दिए हैं। और इसमें हम डालेंगे एक चुटकी नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और ये आ गया हमारा चिली फ्लेक्स। ये आप रमजान में जरूर बना के खाएं, बहुत ही ताकतवर होते हैं। इफ्तार में ये आइटम आप जरूर रखें। और अब मैं इसमें हरा धनिया डालने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और रमजान का महीना है इसलिए मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल दिल्ली स्टाइल रेसिपी।